प्रदर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष, और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा, यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है, और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती है। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं, इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे हैं तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे हैं तो क्या फल होगा, ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व हैं, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोज हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोज हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, पटापट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपने जन्म कुंडली का खुद अब विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है, या किसी भी संबंधित आप चर्चा को कुंडली मिलान की बात है आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक वीडियो पर। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा, यानी कि पहले घर में बैठेंगे, लग्न कहते हैं पहले घर को। अगर दूसरे घर में बैठते हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य है तो उसका क्या फल रहेगा, थर्ड हाउस में तो क्या रहेगा, इसी प्रकार से आप अपने अपनी कुंडली में इन फलादेश को देख सकते हैं। मैं क्रमशः आपको इसका फलादेश बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर ये बताता हूं कि सूर्य किस चीज का परिचायक है, सूर्य की जो परिभाषा है या सूर्य के बारे में जो उनका परिचय है ये हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल फल नहीं दे रहा है, चाहे वो जन्म कुंडली के हिसाब से हो या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हो, क्योंकि हम लोग सूर्य के गोचर पर भी हम लोग जो है उसको विचार करते हैं, उसका विचार करना भी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य का नाम लेते ही हमें प्रकाश और उजाला, एक नया दिन, इसका परिभाष होने लगता है। सूर्य ऊर्जा का परिचायक है, ऊर्जा का द्योतक है, प्रकाश देकर के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और एक नया जीवन देने के लिए वो सबको जो है नया जीवन देते हैं, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और प्रतिदिन संघर्ष, प्रतिदिन पुरुषार्थ करने के लिए भी भगवान सूर्य आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं, सूर्य से ही विश्वात्मा का प्रतिनिधित्व होता है, यह उदार हैं, परम कृपालु हैं, परम तेजस्वी शासक हैं। 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य को परम तेजस्वी माना गया है, इसीलिए मैंने एक वीडियो गुरुअस्त और शुक्रास्त पर बनाई है, आप उसको जरूर जाकर के देखें। उस पर जो है तमाम प्रकार से, क्योंकि सूर्य के साथ जब ये आते हैं ग्रह तो ये अस्त हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव, ये प्रभावहीन कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या ऐसे देवता हैं या ऐसे भगवान हैं जो न्याय करते हैं और अज्ञानता का हरण करते हैं, सत्य असत्य का जिनको पूरा ज्ञान है, यही जो है सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
और कभी भी अपना पथ नहीं बदलते हैं। इसका संचालन करने वाला भगवान ब्रह्मा, जो गुरु की पदवी जिनको प्राप्त है, ऐसे जो हैं परम तेजस्वी की जो है ये उनके संचालन में जो है चलते हैं। अगर बात हम करें कि इनके जो सूर्य किसी की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, कवच आदि का पाठ है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है, मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर पहले से बनी भी, आप उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पाठ के साथ साथ बड़े उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ धीरे धीरे पाठ करने का तरीका इत्यादि भी आपको बताया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। हम बात करेंगे, आप सूर्य जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा, किस प्रकार से इन जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी तुरंत जन्मकुंडली निकाल सकते हैं और उसमें आप अपने सूर्य को देखें कि सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, आप क्रम से पंचम भाव में बैठा हो तो आप अगली वीडियो को देखें, या चौथे भाव में बैठे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं तो आप जो पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है आप उसको देखें। तो इस प्रकार से आपका सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं आप उसके अनुसार अपनी कुंडली को देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं नौ ग्रहों का आपके लिए लेकर के आऊँगा, आप अपनी कुंडली घर बैठे स्वयं देख सकते हैं। तो जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क राशि यानी चंद्रमा का घर होता है। चौथे स्थान को हम लोग केंद्र स्थान मानते हैं, तो खासकर केंद्र में जब भी कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो उसका शुभ फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका ये भी देखना पड़ेगा कि राशि तो यहाँ पर कर्क राशि है, तो यानी मैत्रीय जो है राशि इनकी यहाँ पर है। तो चौथे स्थान केंद्र स्थान को जो है जब यहाँ पर बैठेंगे, तीसरे स्थान को हम लोग माता से संबंधित, माता को रिप्रेजेंट जो है ये भाव करता है। भूमि की बात करें तो ये भूमि का जो है स्थान माना जाता है, सुख का स्थान हम इसको मानते हैं। तो इस प्रकार से इन इन चीज़ों का विचार यहाँ पर जो है किया जाता है। तो मित्र चंद्र की राशि पर ये जब यहाँ पर बैठे हैं तो इसलिए सुखपूर्वक यहाँ पर विद्या प्राप्त कराएगा, सुख संसाधन जो है, सुख से संबंधित जो भी ऐश्वर्य से संबंधित सामग्रियां हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त कराएगा, सुख सुविधाएं का जो सामान है, तथा संतान पक्ष की तरफ से सुख रहेगा, ये भी सुख है। बुद्धि के अंदर तेजी से रहते हुए भी शांति धारण करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बहुत तेजी से हम उग्रता के साथ या बहुत अधिक शक्ति के साथ हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें कभी कभी शांति भी जो है भंग होने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्धि की योग्यता यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, मकान दुकान भूमि जमीन जायदाद की बात करें, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ही रहने वाला है। जबकि हम इस चीज़ के लिए मंगल को भी देखते हैं, लेकिन ये चौथा घर है, ये वैसे भी यहाँ पर जो है सुख का भाव है, तो इस सुख से संबंधित ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। इसके साथ साथ इन प्रॉपर्टी आदि चीज़ों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हमें मंगल को भी देखना चाहिए, मंगल की कुंडली में क्या स्थिति है। और समय समय पर जैसे विमसोत्री दशाओं का हमें अवलोकन कर लेना चाहिए कि वहाँ पर विमसोत्री महादशा है या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या स्थिति चल रही है, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। गोचर में मंगल कहाँ है, कई बार ऐसे समय में ही संयोग बनते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या हमें कोई आदान प्रदान हमें करना है, यानी हमें खरीदना भी है बेचना भी है, तो ऐसी स्थिति में हमें इन चीज़ों का विचार भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनकी शक्ति का प्रभाव यहाँ पर इनको प्राप्त होगा, माता की सुख की शक्ति रहेगी, ठीक है। तथा सातवीं दृष्टि से अगर हम बात करें, पहले हम चतुर्थ दृष्टि से बात कर लेते हैं, दो तीन चार, चौथे दृष्टि से यानी द्विपाद दृष्टि से ये सप्तम स्थान को देखेंगे। तो ये आदि दृष्टि है, लेकिन फिर भी तुला शुक्र की जो है, शुक्र का यहाँ पर घर है, और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर सूर्य द्विपाद दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं देखा जाएगा। अब हम सातवीं दृष्टि की बात करें तो सीधा ये दसवें स्थान को देखेगा सातवीं दृष्टि से, लेकिन सातवीं दृष्टि जो है वो शत्रु दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि बनती है, जबकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर शत्रुता की दृष्टि रखते हैं, तो पिता का स्थान है, राज्य का स्थान है, तो ऐसे में जो है ये यहाँ पर इतना शुभ नहीं माना जाएगा। इसका क्या फल रहेगा,
पिता के साथ संबंधों में यहाँ पर वैमनस्य हो सकता है, पिता के साथ तालमेल यहाँ पर कम बनेगा। राज्य के मार्ग में कुछ निराशा आ सकती है, कुछ जो राजकाज की चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर थोड़ा सा मान सम्मान को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा ये। तो इस प्रकार से ये सात्विक दृष्टि से यहाँ पर देखेगा। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के चौथे भाव से सूर्य की जो संबंधित चर्चाएं थी वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ की। अब पांचवें भाव में क्या स्थिति रहेगी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शकों, बने रहे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।